चोपड़ा साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं? ऑफ कोर्स मैं कोई भी रोल कर सकती हूँ। फिर मजबूर जवानी में आपने मेरा आदिवासी वाला रोल नहीं देखा था? कितना अच्छा किया था मैंने। ऑफ कोर्स, सो व्हाट अगर मैं बहुत ग्लैमरस हूँ, कोई भी रोल कर सकती हूँ मैं, आई एम टेलिंग यू। मुझे दो दिन की मोहलत दीजिए प्लीज, मैं आपको प्रूव कर दूंगी हाउसवाइफ का रोल मैं ही कर सकती हूँ, बस। ओके। क्यों नहीं पूछते क्या हुआ? क्या हुआ? एक और रोल मेरे हाथ से जा रहा है। चोपड़ा साहब कहते हैं कि प्रेमा शालिनी जिंदगी में कभी हाउसवाइफ का रोल नहीं कर सकती। ठीक है, तो कहते हैं तुमने जिंदगी में कभी कोई घर का काम किया है जो तुम हाउसवाइफ का रोल कर लोगी? इसका मतलब अगर फिल्म में मुझे माँ का रोल करना पड़े तो पहले रियल लाइफ में मुझे माँ बनना पड़ेगा? ये बात नहीं है डॉल, लेकिन फिर भी आर्टिस्ट को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। तुमने तो कभी एक गिलास पानी भी खुद नहीं लिया है। लो, तुम्हारी चाय बना के लाया हूँ। आइडिया है दिल, मैं एक रियल हाउसवाइफ को दूर से स्टडी कर लूंगी। तुम एक काम करो, तुम मुझे स्टडी करो पास से। तुम्हें, तुम हाउसवाइफ नहीं, तुम तो हाउस हस्बैंड हो। एक ही बात है, खाली कपड़ों का ही फर्क है और क्या। नहीं नहीं, मुझे साड़ी वाली हाउसवाइफ चाहिए। साड़ी वाली कहाँ से मिलेगी? साड़ी वाली हाउसवाइफ डॉल एक है मेरी नजर में। कौन? अपने पड़ोस में ही है। कौन? मेरी कोकी जी। अपनी कोकी जी। तुम हमेशा कोकी। आइडिया बुरा नहीं है देव। क्यों बच्चे को रुलाती हो? क्या छुपा रहा है? देखा, देखा? कुछ नहीं केशु, कल तुमने उसको जो कलर बॉक्स लाके दिया था ना, देखो ना उसने कैसे इस्तेमाल किया है। अरे वाह चिंटू बेटे, वेरी गुड बेटे, ये किसकी तस्वीर बनाई तुमने? आप ही गेस कर लो। एक मिनट, गेंडा। रॉन्ग। भैंसा। रॉन्ग नहीं। लेकिन तुम करीब आ गए। एक मिनट, बताना नहीं। बंदर। तुमने तो तकरीबन पहचान ही लिया। लास्ट ट्राई प्लीज। मैं हार गया, तुम ही बताओ किसकी तस्वीर है। ये तो आपकी तस्वीर है। अच्छा अच्छा, मैं व्हाट, गेट आउट, 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 इडियट। तस्वीर बनाता है किशु, यहाँ करीब आओ मेरे। अब करीब आने का वक्त नहीं है, दूर जाने का वक्त है, ऑफिस जाना है मुझे। तुमने मेकअप किया है? मतलब? तुमने पाउडर लगाई है औरतों की तरह? तो क्यों, मेकअप करने का ठेका सिर्फ औरतों ने लेके रखा है क्या? अच्छा, मगर इस उम्र में मेकअप लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। यानी मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हेलो कोकी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दिलरुबा जी, अच्छा हुआ आप आ गए। अच्छा क्यों? आपको हमारी तरफ जरा गौर से देखना है। इतनी गौर से नहीं, और सिर्फ मुझे नहीं, केशु को भी देखना है। इनको कौन गौर से देखेगा? फिर भी देखना पड़ेगा। लेकिन क्यों? ये बताने के लिए, क्या केशु मुझसे छोटे लगते हैं? उम्र में या अकल में? उम्र में, अकल की पोजीशन मुझे मालूम है। देखता हूँ, देखता हूँ। राइट देखो, राइट, इधर नहीं उधर। You mean left? अब नीचे देखो, अभी ऊपर देखो। ओए, क्या तुम मेरी दाढ़ी बना रहे हो क्या? अंदाजा लग गया। क्या क्या क्या? आप बुरा ना माने तो मैं साफ साफ कहूँ, ये आपसे उम्र में यही कोई कोई 20 साल बड़े लगते हैं। सुना तुमने केशव, और तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे छोटे लगते हो। छोटे? और ये हाँ? ये तो आपके डैडी लगते हैं। डैडी? तुम क्या इसके अंकल लग रहे हो? देखिए बुरा मत मानिए, डॉल भी आपके बारे में यही कहती है। पता क्या कहती है? डॉल कहती है कि पता नहीं कोकी जी ने इतने बुजुर्ग आदमी के साथ शादी क्यों की। गलत, प्रेमा जी ऐसा कभी नहीं कहेंगे। आप जाके खुद पूछ लो। अरे मेरे जी में आएगा तब पूछ लूंगा। ओ दिलरुबा जी, थैंक यू सो मच, मेरी तरफदारी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं तो आपके लिए इनको और भी बुटा बना सकता हूँ। कैसे? कह दूंगा डैडी नहीं दादा जी लगते हो। नहीं, बात डैडी तक ही ठीक है। मेन काम तो भूल ही गया। क्या हुआ? डॉल है ना डॉल, आपको मिलना चाहती है। क्यों? कुछ पर्सनल काम है मुझसे। आइए आइए आइए, मैं उसको आवाज लगाऊंगा ना। उसे अंदर बुलाइए ना, सीढ़ी में आ जाएगी। अच्छा अच्छा, मैं आवाज लगाऊंगा। डॉल, डॉल। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे जरा मार्केट से अंडे लाने हैं। ओए, ये ऐसे जाएंगे आप? पूरे मार्केट को मालूम है मैं क्या काम करता हूँ। ओ कोकी जी, क्या बात है प्रेमा जी? दिल ने आपको नहीं बताया? बताया ना,
उन्होंने बताया कि आपको मुझसे कुछ प्राइवेट में बात करनी है। ओ, इसका मतलब नहीं बताया। एक्चुअली कोकी जी, मुझे एक फिल्म में ना हाउसवाइफ की भूमिका निभाने को मिली है। हाँ, आई मीन घरेलू किस्म की औरत जैसे आप हैं, यानी घर की चार दीवारी में बंद रहने वाली, अपने पति की सेवा करने वाली, नसीब को कोसने वाली, अपने बच्चे की देखभाल करने वाली, माँ बनने की सजा भुगतने वाली। एग्जैक्टली, बिल्कुल जैसे आप हैं। क्या मैं कह रही हूँ, ये हाउसवाइफ का रोल मत कीजिए। लेकिन क्यों? क्योंकि दुनिया में हाउसवाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन इस रोल के लिए मुझे तो 5 लाख मिलेंगे। 5 लाख? यस। सिर्फ हाउसवाइफ का रोल करने के लिए आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे? और मैं खुद हाउसवाइफ होके भी, मेरे हाथ में महीने के 500 रुपए भी नहीं आते। 500? आप मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं है, हकीकत है। हाँ, लेकिन फिर भी आप मेरी मदद करेंगे ना? नोट गिनने में? नहीं, आपको स्टडी करने में। मुझे आपको बहुत करीब से देखना है। कितने करीब से? आई मीन आपके घर में रोज आया जाया करूंगी। केशव की गैर हाजिरी में आना। क्यों? इसलिए तो वो आपको करीब से देखने की कोशिश करे। तो फिर डन? नॉट डन। व्हाई? मेरी एक और शर्त है। क्या शर्त है? केशव जी से आप जब भी मिलेंगे, आप उनसे एक ही सवाल पूछेंगे। क्या? केशव जी, आप इतने बूढ़े क्यों लग रहे हैं? नो, नेवर। तो ठीक है, मैं भी नो, नेवर। लेकिन मुझे ये सवाल केशव जी से क्यों पूछना पड़ेगा? इसलिए कि केशव अपने आप को मुझसे उम्र में बहुत कम समझता है। ओह, यू मीन मैन अगेंस्ट वुमन? यस। देन तो यस। ओके जी, बुड्ढा करते हैं। प्रेमा जी, आप? हेलो प्रेमा जी। हेलो केशव जी। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन केशव जी, आप क्या हुआ? अच्छा लग रहा हो ना? आज आप इतने बुढ़े क्यों लग रहे हैं? मैं बुढ़ा? No, no, never. मैं और बुढ़ा? I'm always young. Excuse me. Yes, yes. Man, yes, woman. No, never. केशव, कौन कमबैक कहता है कि तुम बूढ़े हो गए हो? प्रेमा शालिनी। देखो केशव, औरतों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उनके दिल में कुछ और होता है, जुबा पर कुछ और। कुछ भी कहे गोखले, प्रेमा जी के सामने मैं साबित करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं अभी तक जवान हूँ। देखो केशव, जवानी और बुढ़ापा ये तो साइकोलॉजिकल होता है यार। आदमी का दिल जवान होना चाहिए। आदमी का दिल जवान होना चाहिए? अरे जब तुम्हारी पड़ोसन खूबसूरत हो ना, तब सिर्फ दिल से काम नहीं चलता। आदमी दिखने में भी बाहर से भी जवान होना चाहिए, समझा? तो फिर तुम वर्जिश करो। वर्जिश से मैं थक जाता हूँ गोखले। तो फिर तुम जॉगिंग करो। अरे जॉगिंग से मेरा बीपी बढ़ जाता है। तो फिर क्या? तो फिर तुम वाकई बूढ़े हो गए हो। ए गोखले यार, तुम मेरा दोस्त है या प्रेमा शालिनी का दोस्त? कोई तो तरीका बता जवान होने का। आइडिया आया। हाँ गोखले आया। मैं कब से बेताब था तेरे मुंह से ये शब्द सुनने के लिए। बैठ 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 गोखले, बैठ। क्या आइडिया? बोल क्या है आइडिया, बोल। देखो केशव, मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसे लेने से सब ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ तक भी नहीं पहुंचा, वो सब तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। केशव यार, मेरे पास जवानी की दवा है, फॉर्मूला 60-40। 60-40? हाँ, जिसका एक बूंद लेने से आदमी 5 साल से छोटा हो जाता है। क्या बात कर रहा है गोखले। हाँ केशव। अरे यार, मेरे चाचा ने ट्राई की हुई दवा है। अच्छा? मेरे चाचा 80 साल के थे। हाँ हाँ। पहले हफ्ते उन्होंने एक बूंद दवा ली, यानी कि 75। नेक्स्ट वीक उन्होंने 2 बूंद दवा ली, यानी कि 65। हाँ, ये सिलसिला कुछ हफ्तों तक यूं ही चलता रहा, चलता रहा। तो अब तुम्हारे दादाजी की उम्र क्या है? आजकल आजकल वो मेरे बच्चे के साथ स्कूल जाते हैं। ये सब कहां से ढूंढ के लाता है तू गोखले? कल ही लेके आता हूँ। फॉर्मूला 60-40। देखा, दवाई का नाम लेते ही कितनी ताकत आ गई। 60-40। कुकी जी, ये टमाटर किस हाथ से काटते? ओह, राइट हैंड से। राइट, टमाटर राइट हैंड से। और ये जो आप करछी चला रहे, ओह, ये भी राइट हैंड से। अमेजिंग, सो मेनी डिस्कवरीज। कुकी जी, एक इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या? कि जब हाउसवाइफ खाना बनाती है अपने घर में, तो उसके अंदर का थॉट प्रोसेस क्या होता है? यानी वो क्या सोचती है? राइट, यही है कि ये रोज रोज की क्या खिटखिट है। काश कोई बावर्ची मिल जाता।
लेकिन कोकी जी हमारे हिंदी फिल्मों में तो हीरोइन बड़े शौक से बड़े प्यार से अपने पति के लिए खाना बनाती है। अरे वो तो एक्टिंग होती है दिखावा, यहाँ तो रोज करना पड़ता है मजबूरी से। Oh, you mean inner thought process? Yes, All right. Koki ji, इतने थोड़े से वक्त में आपने मुझे कितनी details दे दी. Thank you. अब जब मुझे इस role के लिए award मिलेगा, तो मैं सारा credit आपको दे दूँगी. अब सारे पैसे अपने पास रखेगी. बुढ़ा आ गया, बस वापस फिर से कहिए. Okay. अरे प्रेमा जी क्या बात है, आप यहाँ हैं? हाँ, कोकी जी के साथ थोड़ा वक्त गुजार रही थी. ओहो, कभी कभी थोड़ा वक्त हमारे साथ भी गुजारा कीजिए. ओह यू नॉटी ओल्ड मैन. ओल्ड मैन नहीं तो. ओह लगता है आपको थोड़ा बुरा लग गया. हाँ नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा प्रेमा जी, मेरी उम्र ही क्या है. आई डोंट नो आपकी क्या उम्र है केशव जी, तो फिर आज आप इतने बुढ़े क्यों लग रहे हैं? Anyway, I have to go. Bye, Kuki ji. Bye, old man. क्यों बुढ़े? कैसा लग रहा है? Hey, Chintu, ये तू किसकी तस्वीर बना रहा है? आपकी नहीं बना रहा हूँ. दिखाओ. अरे ये तो मेरी तस्वीर है. आपको लग रही है तो मैं क्या करूं? और बोलने लगा ये लड़का. चिंटू तू जा वहां जा, तस्वीर बना. खुश खुश इडियट. केशु तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बूढ़ा हो गया हूं ना, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता खा रहा हूं. गुस्सा क्यों करते हो? मेरा एक भी बाल सफेद नहीं हो और प्रेमा जी कहती है मैं बूढ़ा हो गया हूं. वही तो ताज्जुब की बात है, क्योंकि तुम्हारे दोस्त भी कहते हैं कि तुम मुझसे छोटे लगते हो. केशव, केशव, आज रात तुम्हारे बाल जरूर सफेद होंगे. आपने तो कल मुझे दुखी कर दिया. मैंने? हाँ. कैसे? आपने मुझे कल दो बार ऐसा क्यों पूछा कि केशव जी आप इतने बूढ़े क्यों लग रहे? forget it. यानी वो मजाक था? वो सब. केशव जी क्या हुआ? I don't believe it. ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? Oh my god. मैं आपको कैसे बताऊं? नहीं बताइए क्या हुआ. कैसे बताऊं? बताइए क्या हुआ प्रेमा जी. केशव जी, आज तक तो मैं आपसे मजाक कर रही थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल सीरियस हूँ. क्या हुआ प्रेमा जी, बताइए क्या हुआ? केशव जी, आज आप इतने इतने क्या बुढ़े क्यों लग रहे हैं? जाओ तुम्हारी स्कूल बस आ गई और कल तक स्कूल से वापस मत आना. जाओ. क्या हुआ केशु? यहाँ का आईना कहाँ गया? ओ, घर में एक भी आईना नहीं है. क्यों? हमारे कंपाउंड में कल बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने घर के सारे आईने फोड़ डाले. तब मैं सूरत कहाँ देखूंगा, पानी में? मेरी आंखों में देखो ना. आंखों में देखो. मैं इतना बूढ़ा कैसे हो गया? मुझे क्या पता. Ding 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 ding, 60-40. Ding 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 ding, 60-40. Ding. गोखले. केशव. गोखले, मैं बूढ़ा हो गया. मेरे बाल सफेद हो गए गोखले, देख मैं बूढ़ा हो गया. घबराना नहीं केशव, मैं तुम्हारे लिए यह दवा ले आया हूँ, जवानी की दवा. फॉर्मूला 60-40. अरे लाना तो अभी पी लेता हूँ. 60-40. केशव, इसे चाय के साथ पी दे. चाय के साथ? एक क्या
रखो जल्दी से केशव साहब के लिए चाय लाओ। केशव यह है बुढ़ापे की दवा, फॉर्मूला 60। लेकिन ये मेरे किस काम की? केशव यह जवानी की दवा बड़ी स्ट्रांग है, फॉर्मूला 40। अगर इसे लेने से तुम कुछ ज्यादा ही छोटे हो गए तो बैलेंसिंग के लिए ये फॉर्मूला 60 बुढ़ापे की दवा। अरे ये 60 मेरे किस काम की? इसे हटाओ। आइडिया क्या? मेरे दिमाग में भी आइडिया आया। ये 60 वाली दवा अपने बॉस को पिला दे, उसको यकीन ही नहीं आता कि अभी तक वो बूढ़ा हो गया है। पिलाएंगे पिलाएंगे। लेकिन कैसे कैसे? ए, ये दो चाय किसके लिए लाए? साहब एक शर्मा साहब के लिए। अच्छा शर्मा साहब के लिए। रघु जरा लक्ष्मी को बुला के लाओ। लेकिन साहब चाय? वो चाय बाद में ले लेना, चलो जाओ लक्ष्मी को बुला के लाओ। शर्मा की चाय बेटा। शर्मा 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 धीरे धीरे चाय। क्या उम्र हो गया अभी शर्मा की? अरे अरे, अरे, अरे क्या किया तुम्हारा केशव? केशव 40 मेरी चाय में एक ही बूंद नहीं, कुकले दो बूंद, दो बूंद। मैं 10 साल जवान होना चाहता हूँ। 5 साल जवान हो गया। ओके 10 साल जवान हो गया। नटी आपने मुझे बुलाया सर? हाँ 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 बुलाया बुलाया। आईबीएम लक्ष्मी क्यों बुलाया? फाइन 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 फाइन। कितने मिस्टेक्स करती हो? कितने मिस्टेक्स, कितनी मिस्टेक्स। ये कोई काम करने का तरीका तरीका है? चलो जाओ सारी मिस्टेक ठीक करो। चलो गेट आउट आउट आउट। एक मिनट ठहर, मेरी चाय निकाल लेने दे। अब ले जा ले जा। पी लो पी लो। 40 पी लो पी लो। फॉर्मूला 40 पी लो पी लो। केशव देखना केशव, अब 24 घंटे के बाद तुम 25 साल के जवान हो जाओगी। और अपना बॉस 200 साल का बुड्ढा। मैं जवान हो जाऊंगा। अरे गोखले 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 देखना जरा, मेरे बाल थोड़े काले होने लगे क्या? बता 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 बता। केशव मुझे दाल में कुछ काला और बाल में कुछ सफेद नजर आ रहा है। मतलब तुम्हारे बाल सफेद हुए नहीं, बनाए गए हैं। सफेद बनाए गए हैं? क्यों कोकी की बच्ची? पकड़ लिया ना रंगे हाथ? बताओ बताओ ऐसा क्यों करती थी बताओ? तो तुम क्यों ऐसा कह रहे थे कि तुम मुझसे छोटे लगते हो? अच्छा इसलिए प्रेमा जी आते जाते मुझे बूढ़ा कहती थी? हाँ सिर्फ प्रेमा जी नहीं है, दिलरुबा जी ने भी यही कहा था कि तुम मेरे डैडी लगते हो। दिलरुबा में अक्कल कहाँ है? देखना वही दिलरुबा कल तुम्हें कहेगा कि कोकी जी तुम तो केकू जी की मम्मी लग रही हो। अरे जाओ 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 जाओ। क्या मतलब? जय 60-40। क्या बात है गोखले, तुम्हारे दोस्त आए नहीं अब तक? अरे आएंगे और जरूर आएंगे और आकर छा जाएंगे। क्या मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और आज तो बॉस भी नहीं आए अभी तक। हाँ उन्हें तो आज देर होगी। वो कैसे? उनकी उम्र आज 200 साल की हो गई है। क्या बात कर रहे हो यार। कुछ नहीं कुछ नहीं। बॉस सरप्राइज ना, आज सवेरे मैं भी आईना देखते समय सरप्राइज हो गया था कि मुझे क्या हो गया है। सर आप तो एकदम चेंज लग रहे हैं। नो चेंज नो चेंज, जवान कहो जवान। हेलो सोफिया, मैं कैसा लग रहा हूँ? हैंडसम एंड डैशिंग। तुम भी कैसी लग रही हो? आज रात को किसी पूल साइड पर चले डिनर शिनर? क्या सर आप भी? गोखले तुम्हारा मुंह क्यों खुला हुआ है? इसे बंद कर लो वरना चूहा घुस जाएगा। बॉस अचानक ये जवान कैसे हो गए? वो गोखले क्या है कि कल दोपहर को टी टाइम के बाद में मेरे बदन में अलग सनसनाहट होने लगे। सनसनाहट पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ। और 24 घंटे के भीतर मैं जब भी मुझे लगे नेंगो मेरा दिल दीवाना बोले हाले 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 हाले। मतलब 60 की जगह 40 एंड केशव 200। माय गॉड कौन है आ रही हो? अरे गोखले जी आप। भाभी भाभी केशव कहाँ है? वो सो रहे हैं अभी तक सिर पर चद्दर लेकर। उसे जगाओ। क्यों उसे जगाओ? क्या हुआ? केशव केशव जगाओ। क्या है
भाई गोखले। अरे तुम दोनों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? गड़बड़ हो गई केशव, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ भाई? कल तुमने गलत चाय पी ली। गलत चाय? हाँ, और तुम्हारी चाय बॉस ने पी ली। यानी गोखले मेरे भाई, मैं बूढ़ा हो गया। हाँ केशव, और इस दवा का असर दूर होने तक तुम बूढ़े ही रहोगे। सीटी भी नहीं बचती। ये गोखले के बच्चे ने 40 की जगह 60 पिला दी। प्रेमा बेटी, कौन? कैसी हो बेटी, मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना अंकल। अंकल? अरे बेटी, मैं हूँ केशव कुलकर्णी, तुम्हारा केकू। केकू जी आप? लेकिन केकू जी आज आप इतने बुढ़े क्यों लग रहे? बेटी मैं बूढ़ा लग नहीं रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। सो सैड। प्रेमा बेटी, मुझे जरा हाथ देना और घर तक छोड़ देना। ओके, हाथ लीजिए। मेरी कमर। आप ठीक हैं? कमर।